जय हिंद। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लाडले बच्चे, जो बार बार कमेंट करते हैं या बहुत सारी जगह इस प्रकार के प्रदर्शन भी अभी तक चल रहे हैं टीओडी को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन में हैं, बोल रहे सर अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, क्योंकि एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियाँ हैं और एक स्थायी जॉब है ये, ठीक है। साथ में एसएससीजीडी के द्वारा आपको फौजी का दर्जा मिल जाता है क्योंकि आप फौज में चले जाते हैं, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स सीएपीएफ है, वैसे ये सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको वो संतुष्टि मिल जाती है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बोलेंगे सर हम इसका बहिष्कार करेंगे। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ेंगे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं लाडलो, अभी प्रेजेंट टाइम में जो निजी हालात है मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे अब इसमें ये बोल देंगे सर आप अपनी राय में, अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना जो अभी की वास्तविकता है उससे आपको रूबरू करा दूँ, ऐसा नहीं हो कि आप अपनी जिंदगियाँ खराब कर लो। देखिए बहुत सारे बच्चे, जैसे हाईकोर्ट में इसकी याचिका दायर हुई वैसे ही बहुत सारे लोगों ने उस याचिका को तोड़ मरोड़ के पेश करने लगे। मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं है, जितना आप सोच रहे हो ना उतना कुछ नहीं है। सरकार जब कोई डिसीजन लेती है तो वो ये चीज़ें पहले सोचती है कि इसके खिलाफ अगर याचिका जाएगी कोर्ट में तो हमको उसके कैसे दान करना है या कोर्ट को कैसे संतुष्ट करना है या सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से अपनी पेशकश करनी है, ये सारी चीज़ें लेके जाती है कोर्ट। और सरकार के किसी भी डिसीजन को याचिका या उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको खत्म कर दिया जाए। तो बहुत सारे बच्चे ये इसकी अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब आपको बता दूं एयरफोर्स की तो उन्होंने लॉन्च ही कर दिए, अब 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और 24 जुलाई को एग्जाम है। तो जितने भी बच्चे एलिजिबल है ना आप फॉर्म भरना अवश्य और पेपर भी देने जाना बेटा। अब जितने भी आर्मी वाले जो अग्निवीर है ना उनको भी बता दूं आप तैयारी शुरू कर दो लाडलो, क्योंकि पूरा देश तैयारी कर रहा है। इसका अगर परिणाम आपको चाहिए तो अभी जैसे एयरफोर्स का फॉर्म भरना शुरू हो गया तो इसका जब आंकड़ा है ना कि 5 जुलाई तक इतने फॉर्म भरे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि असली बहिष्कार कहाँ है। लोग फॉर्म भर के और इस जॉब में जाने के बहुत इच्छुक हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं, आपके फॉर्म नहीं भरने से कुछ होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, इसको दूर कर लेना बेटा। आपको अवश्य फॉर्म भरना है और तैयारी भी करनी है। जितने बच्चे आर्मी वाले हैं आप सभी को बता दूं 15 अगस्त से आपकी रैली भर्तियां शुरू हो जानी है, 1 जुलाई से इसकी नोटिफिकेशन आ जानी है, ठीक है। और आज आर्मी का कैलेंडर जारी भी हो सकता है आज की डेट में, ठीक है। सेना भर्ती का कैलेंडर आज जारी हो सकता है, जितने बच्चे हैं वो ध्यान रखना। तो अब आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, आपको तैयारी करनी है। ग्राउंड की रनिंग का जो लास्ट टाइम है वो 5:45 है, ठीक है। 5:45 आपके नोटिफिकेशन में देखा होगा। तो ये टाइमिंग आपको 1600 मीटर में लाना ही है। किसी भी पड़ाव में कुछ भी कम नहीं किया गया, लेकिन इस चक्कर में आप अपने घर वालों की खुद की जिंदगी खराब मत कर लेना कि हम तो फॉर्म नहीं भरेंगे, हम तो बहिष्कार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जो चीजें होनी है वो होनी है, ये सरकार का डिसीजन है। बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, जब कोई पूरा बल, बहुत सारे लोग इसको किसान आंदोलन से जोड़ रहे हैं, नहीं वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो इसलिए ये गलती मत कर देना कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि इस बार जो मौका मिलेगा ना वो दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे वो आर्मी वाले बच्चे हैं, इस साल में बहुत अच्छा मौका मिलेगा आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ही बच्चों को। तो आपको फॉर्म भरना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से अगर रद्द होगी तो सब भी रद्द होगी, आपके अकेले की तो रद्द होगी नहीं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर टीओडी रद्द हो जाएगी, अरे हो जाएगी तो हो जाने दो ना, आप तो फॉर्म भरो, आप अपना काम करो। फॉर्म भी भरना है, तैयारी भी करनी है, फिर बाद में बैठे मत रह जाना घर में, ठीक है। और वास्तविक हालात ये आपको पता चल जाएगा 5 जुलाई को जब फॉर्म इसके अंत होंगे, उस दिन पूरे के पूरे आंकड़े आएंगे कि हाँ इन्होंने फॉर्म भर दिए और लगभग लगभग सब भरी भी देंगे, ठीक है। लगभग लगभग क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, 100% बच्चे फॉर्म भरेंगे, कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो फॉर्म नहीं भरेगा। इसलिए दूसरों की बातों में आने से पहले इन चीज़ों को देख लेना। जय हिंद, जय भारत।